नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान में बीकानेर शहर के नज़दीक स्थित देशनोक का करणी माता मंदिर शायद विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चूहे मौज मनाते हैं, ऐश करते हैं, चांदी की थाली में जमकर लड्डू का प्रसाद खाते हैं और डटकर दूध पीते हैं। इसे चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर में 1, 2, 10 नहीं हजारों की तादाद में चूहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या करीब 20,000 है। कदम कदम पर चूहे ही चूहे। इधर उधर दौड़ते भागते कूदते फांदते जरा सा ध्यान हटा कि दर्शनार्थियों के कपड़ों पर होते हुए सिर पर चढ़ जाते हैं। संभल कर ना चलें तो पैरों तले दब भी जाते हैं, लेकिन कभी काटते नहीं। मंदिर में एकाएक चूहों का काफिला देखकर कई बार भक्तगण घबरा जाते हैं। चूहे की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के मुख्य दरवाजे से लेकर माता की मूर्ति तक आपको पैर घसीटते हुए चलना होता है। यहाँ ज्यादातर काले चूहे ही नजर आते हैं। हाँ, अगर आपको कोई सफेद चूहा दिखता है तो इसे शुभ माना जाता है और मान्यता है कि माता ने उस भक्त को साक्षात दर्शन दिए। ये भी कहते हैं कि सफेद चूहे को देखकर कोई मनोकामना करते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। कभी कभी तो भक्तजन सफेद चूहे के दर्शनार्थ घंटों तक इंतजार में खड़े रहते हैं। मंदिर में यदि कोई चूहा किसी के सिर पर चढ़ बैठता है तो माना जाता है कि देवी की उस भक्त पर विशेष कृपा है, और यदि किसी की लापरवाही से कोई चूहा पांव के नीचे दबकर मर जाता है तो यह भी मान्यता है कि उसे प्रायश्चितवश चांदी का चूहा बनवाकर देवी को भेंट करना होगा। देशनोक का यह मंदिर मुख्यतः माता करणी देवी को समर्पित है, जिन्हें माता जगदम्बा का अवतार माना जाता है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। कहा जाता है कि करणी माता का जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि जहां यह मंदिर है वहां करणी माता गुफा में रहकर अपने इष्ट देव की पूजा करती थी। यह प्राचीन गुफा आज भी यहाँ स्थित है। करणी माता मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। संगमरमर से बना होने के कारण ये मंदिर काफी सुंदर व भव्य नजर आता है। मंदिर की दीवारों पर की गई आकर्षक नक्काशी इसे खास बनाती है। दीवारों, दरवाजों व खिड़कियों पर की गई बारीक कारीगरी सबका ध्यान आकर्षित करती है। मंदिर का दरवाजा चांदी का बना हुआ है। करणी माता मंदिर निर्माण एवं मूर्ति स्थापना के विषय में प्रचलित एक दंत कथा के अनुसार देवी एक बार जैसलमेर की यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में एक अंधे कलाकार से देवी ने अपनी प्रतिमा बनाने के लिए कहा। इसी मान्यता है कि कलाकार ने आंतरिक दृष्टि प्राप्त कर केवल कल्पना मात्र से ही करणी देवी की मूर्ति का निर्माण किया जो देशनोक के इस मंदिर में प्रतिष्ठापित है। देशनोक उत्तर रेलवे की बीकानेर मेड़ता जाने वाली रेल लाइन पर तथा बीकानेर नागौर सड़क मार्ग पर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। राजस्थान के इस लोक तीर्थ पर प्रतिवर्ष नवरात्रि में मेला लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर रोज नए वीडियो देखने के लिए कृपया
लाल रंग के सब्सक्राइब बटन एवं घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।